नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द वायर मीडिया। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे करियर के ऑप्शन बता रहे हैं। जैसे कि आप पिछला वीडियो मैंने आपको बताया था कि 12th के बाद आर्ट, कॉमर्स, साइंस में क्या क्या करियर ऑप्शन है। उसमें एक अदर ऑप्शन भी मैंने दिया हुआ था, जैसे कि आपको डिफेंस सेक्टर में अगर जॉब करना है तो उसके लिए कैसे आप आफ्टर ग्रेजुएशन उसको जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम उसका पूरा डिस्क्रिप्शन देखेंगे, पूरा करियर डिफेंस में क्या क्या रहता है, डिफेंस में कौन कौन से पोस्ट रहते हैं, आपको वहाँ पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये सारे जो चीज़ें हैं इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आपको डिफेंस में अगर जाना है तो कौन से बहुत सारे एग्जाम्स हैं, जैसे कि आपका डिफेंस सेक्टर में एंट्री हो सकता है। सबसे पहला जो अकेडमी रहता है जो देहरादून में है, IMA, जैसे कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून। उसके बाद सेकेंड आता है, अगर आप नावल में जाना चाहते हो तो इंडियन नावल एकेडमी जो है एनजीमाला में है। तीसरा है IAFA, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी जो तेलंगाना में है। और चौथा है OTA, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी जो चेन्नई और बिहार में है। उस ये सब चीज़ें हैं आपको अगर ग्रेजुएशन के बाद डिफेंस में जाना है। उसके अलावा भी दो स्कीम्स रहती है जिसके थ्रू आप, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, पर्टिकुलरली मैथ्स आपने लिया हुआ है और आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो, तो आपको दो डायरेक्ट सर्विस मिलती है, डायरेक्ट एंट्री मिलती है, जिसके लिए आपको कोई भी एग्जाम नहीं देना पड़ता है। उससे पहला सबसे पहले उसमें है UES, यानी कि यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम। उसके थ्रू आपको आपके जो भी इंजीनियरिंग परसेंटेज है उसके थ्रू आपको सीधा इंटरव्यू का चांस मिलता है। और वो प्री फाइनल ईयर, यानी कि अगर आप इंजीनियरिंग में हो तो थर्ड ईयर से बच्चों को अप्लाई होता है। और लास्ट वाला है आपका TGC, उसका मतलब है टीचिंग ग्रेजुएट कोर्स। वो भी आप अगर इंजीनियरिंग बैच कोर्स में है तो आप उसके थ्रू सीधा एंट्री ले सकते हो। उसमें सीधा आपको आपके इंजीनियरिंग परसेंटेज के ऊपर शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है, इसके अंदर क्या क्या है, IMA, INA, IAFA, OTA, UES, ये सारी चीज़ें क्या है अब समझाते हैं। चलो, करियर ऑप्शंस इन डिफेंस आफ्टर ग्रेजुएशन। फर्स्ट, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, इंडियन नावल एकेडमी एजीमला, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी तेलंगाना, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी चेन्नई एंड बिहार। दूसरा है इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम UES, टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स TGC। तो हर एक ऑप्शंस को अभी देखेंगे। सबसे पहला, इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून। एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर ए IMA थ्रू CDSE, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन। ये जो एग्ज़ाम है CDSE, कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जामिनेशन के थ्रू आप IMA में एडमिशन ले सकते हो। और वो जो CDSE एग्ज़ाम है वो UPSC ये साल में 2 बार कंडक्ट करता है। और उसके अंदर आप CDSE क्लियर करने के बाद आपको प्रेफरेंसेस देने होते हैं, जैसे कि प्रेफरेंसेस है IMA, INA, IAFA और OTA। फॉर IMA कैंडिडेट शुड हैव स्टडीड मैथ्स इन हीज ग्रेजुएशन। और IMA का जो फिर उसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो कैसा रहता है, रिटन टेस्ट होता है, उसमें मैथ्स, जनरल नॉलेज, इंग्लिश, ये सारी चीज़ें होती है। उसके बाद SSB इंटरव्यू होता है, सिलेक्शन बोर्ड का जो इंटरव्यू होता है वो 5 दिन का इंटरव्यू होता है। वो 5 दिन में पूरा आपका जो भी है नॉलेज है या फिर HR इंटरव्यू, जो भी आपके स्किल्स है वो 5 दिन में चेक किए जाते हैं। उसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है, एंड डिपेंडिंग अपॉन मेरिट एंड सी यू विल बी कॉल्ड फॉर ट्रेनिंग। ओके, उसके बाद है इंडियन नावल एकेडमी। अगर आपको नेवी में इंटरेस्ट है तो आप INA में एडमिशन ले सकते हो। यू कैन अप्लाई फॉर इट थ्रू CDSE बाई गिविंग नेवी एज फर्स्ट प्रेफरेंस। उसके लिए भी सेम है, रिटन टेस्ट एग्जाम होता है, SSB होता है, मेडिकल टेस्ट होता है। और जो ड्यूटीज रहती है, अगर आप इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हो तो आपको कमीशन इन नेवी, फॉर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स गेटिंग कमीशन इन नेवी, फॉर नॉन साइंस ग्रेजुएट्स कैन गेट ओनली एग्जीक्यूटिव एंड लॉजिस्टिक ड्यूटी। उसके बाद है IAFA, इंडियन एयरफोर्स एकेडमी तेलंगाना। यू कैन अप्लाई फॉर इट थ्रू CDSE बाई गिविंग एयरफोर्स एज अ फर्स्ट प्रेफरेंस और डायरेक्टली थ्रू FCAT। आप CDSE के थ्रू एयरफोर्स को फर्स्ट प्रेफरेंस देखे, या फिर ये जो FCAT एग्जाम है एयरफोर्स कॉमन एंट्रेंस टेस्ट, उसके थ्रू भी आप इंडियन एयरफोर्स एकेडमी में एडमिशन ले सकते हो। उसमें भी सेम एग्जाम होता है CDSE का,
जिसमें मैथ जनरल नॉलेज होता है अलॉन्ग विथ अबव सब्जेक्ट्स। फॉर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स देर इज़ अनदर एग्जाम कॉल्ड इंजीनियरिंग नॉलेज टेस्ट EKT, उसके बाद SSB इंटरव्यू और मेडिकल टेस्ट, बिकॉज दैट इज़ द CDSE पैटर्न। उसके बाद है ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी, OTA ट्रेन्स बोथ मेल एंड फीमेल कैंडिडेट, एंड OTA के बाद आपको शॉर्ट सर्विस कमीशन मिलता है, जो आपको पीरियड है वो वेरिएशन वेरीज फ्रॉम 7 to 10 ईयर्स। उसका भी एग्ज़ाम पैटर्न जो है आपको रिटन टेस्ट, इंग्लिश, जनरल नॉलेज, SSB 5 डेज इंटरव्यू एंड मेडिकल टेस्ट। उसके बाद है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, TGC एंट्री, अल्सो नोन एज टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स एंट्री, इज अ टाइप ऑफ एंट्री थ्रू विच इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स ओनली मेल कैन ज्वाइन द इंडियन आर्मी एज एन ऑफिसर। TGC एंट्री इज स्पेसिफाइड फॉर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हु कैन अप्लाई इट फ्रॉम फाइनल ईयर ऑनवर्ड्स। और उसका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो है 20 ईयर है, एज आपका 20 से 27 साल के बीच में होना चाहिए, 20 and 27 ईयर्स एज अ फर्स्ट डे ऑफ मंथ इन विच कोर्स इज ड्यू टू कमेंस। क्वालिफिकेशन BE BTech फाइनल ईयर अपीयरिंग एंड डिग्री होल्डर्स इन इंजीनियरिंग। देन सिलेक्शन प्रोसीजर है, इसके लिए आपको कोई एग्जाम नहीं देना है। अप्लाई द फॉर TGC ऑनलाइन, आर्मी विल डिक्लेयर द लिस्ट ऑफ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन देयर डिग्री परसेंटेज, गेट द कॉल लेटर फ्रॉम डायरेक्ट SSB फॉर डायरेक्ट SSB इंटरव्यू इफ शॉर्टलिस्टेड, अटेंड 5 डेज SSB इंटरव्यू प्रोसेस, अटेंड मेडिकल एग्जामिनेशन एंड ज्वाइन इंडियन मिलिट्री अकेडमी इफ शॉर्टलिस्टेड एंड मेडिकली फिट। दूसरा है UES, दिस TGC एंड UES इज डायरेक्ट एंट्री, यू डोंट नीड टू गिव एनी एग्जाम, दे आर बेस्ड ऑन मार्क्स इन योर ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स। इफ यू आर एलिजिबल फॉर दिस एंट्रीज देन यू विल फेस 5 डेज SSB इंटरव्यू एट अलाहाबाद, बैंगलोर और भोपाल, एंड दिस UES स्कीम इज फॉर प्री फाइनल ईयर स्टूडेंट्स, इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। तो ये सारे ऑप्शंस है जिसके थ्रू आप डिफेंस सेक्टर में आप करियर करना चाहते हो, तो ये सारे ऑप्शंस के थ्रू आप जा सकते हो। देन थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, थैंक यू।